दिल्ली कैंट एरिया से थोड़ी दूर एक टैक्सी रोड पर दौड़ रही थी। वैसे तो कैंट एरिया के गुता होने की अफवाह की वजह से रात के टाइम वहाँ कोई टैक्सी वाला नहीं जाता था, लेकिन टैक्सी नंबर 2611 में बैठा हुआ ड्राइवर बेझिझक आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको दिखाई दिया कि रोड के किनारे दो आदमी खड़े हुए हैं। उन्होंने उसे हाथ का इशारा दिया और उसने टैक्सी रोक दी। लक्ष्मी नगर स्टेशन चलोगे? सुनकर ड्राइवर ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, चलूंगा, बैठ जाइए। यह सुनकर उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर टैक्सी में बैठ गए। यकीन नहीं होता कि इस रास्ते पर इतनी आसानी से हमें ये टैक्सी मिल गई। मुझे लगता है ये दिल्ली में नया है, वरना इसको पता होता कि दिल्ली कैंट एरिया में रात के समय जाना कितना खतरनाक है। अच्छी बात है, कैंट एरिया आते ही मौका देखकर अपना काम कर देंगे। ओके। दूसरे आदमी ने इस पर मुस्कुरा कर कहा, सही है, नई टैक्सी है, आज तो दिवाली मन जाएगी। ड्राइवर उनकी फुसफुसाहट तो सुन रहा था, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। साहब, इस समय लक्ष्मी नगर में आपको क्या काम है? इस समय कैंट एरिया से गुजरने की कोई भी हिम्मत नहीं करता, फिर आपको ऐसा क्या काम आन पड़ा? तुम अपने काम से काम रखो, तुमको हम मुंह मांगी कीमत देंगे, बस जल्दी से कैंट एरिया होते हुए हमें वहां पहुंचा दो। ठीक है साहब, कहकर ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर में टैक्सी कैंट एरिया में एंटर कर जाती है। अब चारों तरफ सुनसान इलाका था और घना जंगल नजर आ रहा था। मौका अच्छा है, शुरू हो जा। यह सुनकर दूसरा आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है और ड्राइवर की गर्दन पर रख देता है। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ए, चल जल्दी टैक्सी साइड में लगा, चल। अब ड्राइवर डर जाता है और टैक्सी साइड में लगाकर ब्रेक लगा देता है। जल्दी से बाहर आ। सुनकर टैक्सी ड्राइवर बाहर निकलता है और दूसरा आदमी उसकी गर्दन पर चाकू रखकर खड़ा हो जाता है। अगर अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना हम तेरी टैक्सी तो लेंगे ही, साथ ही तेरी गर्दन काट कर तुझे खत्म कर देंगे। यह सुनकर टैक्सी ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है। तू पागल हो गया है क्या? ये टैक्सी और तेरे पास जो कुछ भी है यहाँ छोड़कर भाग जा, वरना तेरा गला काट कर अभी तेरी हंसी रोक दूंगा। यह सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर भी अपनी गर्दन पर लगे चाकू पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है, कैसे काटोगे साहब, क्या ऐसे? इतना कहकर वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गर्दन पर खुद ही चाकू फेर लेता है और उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है और दोनों आदमी ये देखकर चौंक पड़ते हैं। उनके डर का ठिकाना नहीं होता। अबे ये क्या पागल था, इसने तो अपने आप को खुद ही मार डाला। अरे यार जल्दी यहाँ से भाग, वरना किसी ने देख लिया तो बुरे फंसेंगे यार। पर जल्दी चल, जल्दी भाग यहाँ से निकल। इतने में ड्राइवर जमीन से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दोनों देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हो चुकी है और चेहरा भी भयानक दिखने लगा है। बेवकूफो, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, तुम मुझे ही मारने की धमकी दे रहे थे। अब उन दोनों के डर का ठिकाना नहीं था। वो वहां से भागते इससे पहले ही ड्राइवर ने अपने हाथ में पकड़े चाकू से दोनों की गर्दनों पर हमला किया और अगले ही पल उन दोनों की लाश जमीन पर गिरी नजर आई। उस दिन के बाद से कैंट एरिया में हर महीने कोई ना कोई लाश मिलना शुरू हो गई। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इन सब की मौत के पीछे की वजह क्या है। कैंट एरिया में हर महीने किसी न किसी की लाश बरामद हो रही है और ताज्जुब की बात यह है कि जो भी आदमी मारा जा रहा है वो या तो चोर होता है या फिर कोई क्रिमिनल। वो रिपोर्ट फाइल बंद करके टेबल पर रखती है और कहती है, आखिर कौन हो सकता है जो सिर्फ क्रिमिनल लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है। मैं आज रात ही दिल्ली कैंट में जाकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करूंगी। इंस्पेक्टर पूजा शिखावत रात के टाइम अकेले वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की ठान लेती है। रात के 9 बजे कैंट एरिया रोड पर पूजा शिखावत बिना वर्दी के एक आम नागरिक के रूप में खड़ी होती है। तभी उसे सामने से टैक्सी आती हुई नजर आती है। टैक्सी ड्राइवर उसके सामने आकर टैक्सी रोक देता है और वो देखती है कि इस टैक्सी का नंबर 2611 है। क्या आप मुझे कैंट एरिया से बाहर सिटी तक छोड़ देंगे? जी बैठ जाइए। सुनकर पूजा उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। उसको ये अजीब लगता है
कि जिस रोड पर कोई भी व्हीकल नजर नहीं आ रहा उस पर ये टैक्सी ड्राइवर बेझिझक कैसे टैक्सी चला रहा है। तभी आगे उनको सड़क के किनारे एक और आदमी खड़ा नजर आता है जिसने शॉल ओढ़ा हुआ है और उसी से अपना चेहरा भी ढका हुआ है। जी कहिए, कहाँ जाना है? मुझे बस कैंट एरिया से बाहर तक छोड़ देना भाई। सुनकर ड्राइवर उसको पीछे बैठने के लिए कहता है। टैक्सी में पूजा के बराबर में बैठने के बाद भी वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता और शॉल को ओढ़े रखता है। पूजा भी उसकी शक्ल देखना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलती वो आदमी जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगता है। तुम दोनों की आज मौत आई है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो आदमी अपना शॉल हटा देता है और उसको देखकर पूजा डर जाती है। अभी इसी वक्त इस टैक्सी से उतर जाओ, वरना मैं तुम दोनों को भी मारकर अपने जैसा भूत बना लूंगा। सुनकर पूजा डर जाती है और समझ जाती है कि ये कोई आत्मा है जो कि उसके बराबर में बैठी है और अब उसकी जान कभी भी जा सकती है। मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। ड्राइवर टैक्सी रोको, वरना ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। इस पर ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और पीछे मुड़कर देखता है। अगर ये एक आत्मा है तो फिर मैं कौन हूँ? वो आगे बैठा हुआ अपनी गर्दन को पूरा पीछे घुमा लेता है, जिसको देखकर ये नकली भूत और पूजा दोनों की चीख निकल जाती है। लोगों को लूटने के लिए उनको भूत बनकर डराता है ना तू? आज तेरा ये खेल खत्म। कहकर ड्राइवर का भूत उसका गला पकड़ लेता है और फिर उस नकली भूत की मौत हो जाती है। ये सब देखकर पूजा का दिल दहल उठता है। वो समझ जाती है कि अब वो भी नहीं बचेगी। आप डरिए मत मेम साहब, मैं सिर्फ जुर्म करने वालों को ही मारता हूँ। इतना कहकर ड्राइवर टैक्सी को तेज भगाने लगता है और कैंट एरिया से बाहर लाकर टैक्सी रोक देता है। पूजा टैक्सी से बाहर निकलकर डरते हुए उससे पूछती है, तुम इस तरह लोगों को क्यों मार रहे हो और ऐसा कब तक करते रहोगे? मैं अपनी जिंदगी में भी एक टैक्सी ड्राइवर था और 2 महीने पहले ही मैं इस रास्ते से गुजर रहा था। 2 चोर मेरी टैक्सी में बैठे जिनके इरादे मुझे पता नहीं थे। उन लोगों ने सुनसान रास्ता आते ही मुझे मारकर मेरी टैक्सी लूट ली, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा ने उनको खत्म कर दिया। तब से मैं हर उस चोर लुटेरे को मार रहा हूँ जो कि हम जैसे गरीब लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। जब भी कोई क्रिमिनल किसी टैक्सी वाले को लूटने की कोशिश करेगा, उसको रिसीव करने खुद आएगी टैक्सी नंबर 2611। Ha 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 ha!